फरीदाबाद में प्रदेश का पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट केस मिलने के बाद जिले का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और विभाग द्वारा पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के परिजनों और क्षेत्र के लगभग 4000 लोगों की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए पिछले 2 दिन से विशेष कैंप चलाया जा रहा है। वहीं पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले सभी तरह के लोगों की जाँच की जा रही है। सिविल सर्जन के अनुसार फिलहाल उक्त व्यक्ति के परिजन टेस्टिंग के दौरान स्वस्थ पाए गए हैं, जो कि एक राहत की बात है। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना का वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है और कोरोना को लेकर जो टेस्टिंग होती है उसमें से कुछ सैंपल को जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। खासकर 3 प्रकार की कैटेगरी के सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं, जिनमें विदेश यात्रा करने वाले, दोबारा से कोरोना पीड़ित होने वाले या फिर दूसरी डोज लेने के बाद पॉजिटिव आने वाले शामिल हैं। इसको लेकर ESIC मेडिकल कॉलेज द्वारा 165 सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, जिनमें से एक केस डेल्टा प्लस वेरिएंट का पाया गया है। पॉजिटिव पाया गया व्यक्ति बल्लभगढ़ का रहने वाला है और IT प्रोफेशनल है, जो कि दिल्ली में जॉब करता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री खंगाली गई है कि कब कब यह संक्रमित कहाँ कहाँ गया था और किन किन लोगों के संपर्क में आया था। ये वायरस से, जैसा कि आप सभी को पता है, कि अपना रूप बदलता रहता है और उसके हिसाब से उसके करेक्टरिस्टिक्स भी बदलते रहते हैं। तो 3 प्रकार के जो हमारी कैटेगरीज हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स हैं हमारे, जो सेकंड टाइम जिनको कोविड हुआ है या जो व्यक्ति सेकंड डोज लेने के बावजूद भी अगर किसी को कोविड हुआ, इन 3 कैटेगरीज के जो सैंपल्स हैं वो हमारा ESI मेडिकल कॉलेज जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजता रहता है। 65 इन्होंने सैंपल भेजे, जिनमें से एक में ये जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पे इसमें म्यूटेशन इस केस में मिला है हमारे पास। इस व्यक्ति के जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट थे, चाहे वो दुकानदार था, दूध वाला था, चाहे होकर था, चाहे वो सब्जी वाला था, उन सभी के, इनके रिश्तेदारों के सभी के हमने जांच करवा ली है और वो सभी नेगेटिव मिले हैं, स्वस्थ मिले हैं, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। बीते 30 मई को उक्त व्यक्ति को खांसी और बुखार की मामूली शिकायत हुई थी और जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद घर में आइसोलेट होते हुए ठीक हो गया था और फिर से दिल्ली अपनी जॉब पर जाने लगा था। फरीदाबाद से वी न्यूज के लिए मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।